मिस्टर भारती ने जो मेरी जानकारी है उन्होंने कल द्वारका कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, तो वो तो कल देखेंगे कि कोर्ट क्या करती है, बट इन बिटवीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि जो ऑफेंसेस उनके ऊपर लगाया गया है वो गलत है, वो प्लीज़ आए सामने। मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो सामने आए, आके पुलिस को कोऑपरेट करें, अपने सजेशंस, अपने जो एक्सप्लेनेशन है वो दें, और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है प्लीज़ बताएं, और अगर ये प्रूव होता है कि गलत है तो मैं उसका जो रिपरकशंस है वो फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। बट ये जो है कि भाग रहे हैं वो अपने लिए बहुत गलत कर रहे हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस कल कुछ और एक्शन ले सकती है, और उनकी छवि के लिए बहुत ख़राब है। और मैं ये मिस्टर केजरीवाल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मिस्टर भारती को समझाएं, वो उनके दोस्त हैं, उनके पार्टी के एमएलए हैं, तो ये प्लीज़ उनको समझाएं, वो उनकी ज़रूर सुनेंगे कि वो भागे नहीं, वो आए, वो कोऑपरेट करें, सच का साथ दें। मैम, आपको नहीं लगता कि इन सब पूरे इस घटनाक्रम से जैसे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी भी इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी का कह रहा है कि भैया इनका फैमिली मैटर है तो इसमें हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक सीएम होने के नाते उन्हें उनसे बात करनी चाहिए, और अब भाग रहे हैं तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वही तो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, भाग के वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ऑफेंसेस गलत हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ सच के लिए, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको लगता है गलत है तो प्लीज़ आइए, सबूत दीजिए, पुलिस को एक्सप्लेनेशन दीजिए। और अगर कुछ गलत है, मैं तो बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, और मैं जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे अगर वो साबित होता है तो मैं उसकी सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ।